तो इंडिया के इतिहास में आई थी एक बहुत ही बड़ी और बेहतरीन मूवी जिसका नाम था पठान, जो सबने देखा और बॉयकॉट गैंग को भर भर के गालियां पड़ी इस मूवी को देखने के बाद। क्या आपको पता है कि पठान इतने सारे रिकॉर्ड बना लिया, और बनाने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि पब्लिक एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार एक ही मूवी को देखने जा रहे हैं, तो फिर बनना था रिकॉर्ड। और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इंडिया के लिए एक बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया बॉलीवुड वालों की तरफ से। मैं फिर से बोल रहा हूँ बॉलीवुड वालों की तरफ से, टॉलीवुड नहीं बोल रहा मैं। कुछ लोग अब आएंगे कमेंट में बोलेंगे क्योंकि टॉलीवुड का ये देख लो वो देख लो, अरे भाई मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से सबसे बड़ी मूवी है, बॉलीवुड की तरफ से, टॉलीवुड इंक्लूड किया ही नहीं मैंने। तो आपको पता है कि ये 1000 करोड़ टच करने वाला है जस्ट कुछ दिन और बाकी, और कुछ दिन में ये 1000 करोड़ आराम से पार कर जाएगा। तो क्या पता है आपको कि इससे कितना बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बनेगा और क्या क्या हो सकता है, तो चलिए बात करते हैं। उसके लिए बने रहे मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो शाहरुख खान की ये जो बड़ी मूवी थी पठान, इसमें इसका जो फ्यूचर था बहुत ब्राइट हुआ, आपने देख लिया, सबने देख लिया, बहुत अच्छी बात है, एक नंबर। लेकिन क्या आपको पता है कि 1000 करोड़ जैसे ही ये टच करेगा उस वक्त क्या होगा? अभी इसका अगर कलेक्शन बात कर लें तो इंडिया में इसने टोटल 593 करोड़ कमाया है ग्रॉस में, और अगर ओवरऑल ग्रॉस की बात करें तो 360 करोड़ है, और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें टोटल तो ये होता है 953 करोड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और ये नहीं भी तो 3 से 4 दिन के अंदर 1000 करोड़ पार कर जाएगा, मतलब वीकेंड के अंदर इस बार पक्का है कि 1000 करोड़ पार कर जाएगा। और उसके साथ नया रिकॉर्ड बनेगा बॉलीवुड वालों की तरफ से, इंडिया का भी सबसे ज़्यादा कमाने वाला मूवी बॉलीवुड वालों की तरफ से, इंडिया में भी और बाहर में भी। लेकिन बात करते हैं क्या दंगल और बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। दंगल जो है आमिर खान का जो बेस है चाइना वालों को अगर हटा दें तो पठान इज़ 1 नंबर मूवी, कोई नहीं हरा सकता इसको, कोई टक्कर नहीं दे सकता, पठान के सामने कुछ नहीं है। लेकिन आमिर खान का फैन बेस बहुत ही ज़्यादा है चाइना में, जिसके वजह से अकेले चाइना में ही हमको लगता है 1000 करोड़ पार कर गई है दंगल। तो इसके वजह से इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि पठान के लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा फैन बेस नहीं। लेकिन हाँ, अगर वर्ल्ड वाइड फैन बेस की बात करें तो शाहरुख खान का फैन बेस के बारे में मुकाबले किसी का नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान की जितनी फैन फॉलोइंग है वर्ल्ड वाइड, दुबई ले लो, USA ले लो, UK ले लो, कहीं भी उठा के देख लो, शाहरुख खान का जो फैन बेस है और स्टारडम है वो किसी का नहीं है। तो श्योरली अभी 1000 करोड़ पार करेगी, लेकिन बाहुबली और दंगल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन फिर शाहरुख खान की मूवी जवान भी तो आ रही है, वो कहाँ पीछे हटने वाली, वो पक्का लिख लो कि 1500-1600 करोड़ तो आराम से जाएगी और सबका रिकॉर्ड तोड़ देगी आराम से। इस पर मेरे को कोई डाउट नहीं है, शाहरुख खान में इतना कैलिबर है हर एक बंदा जानता है। तो आप कितने एक्साइटेड हो पठान के लिए, और आपको क्या लगता है 1000 करोड़ कमाने के बारे में पठान के बारे में, मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।